नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एलजीबीटी काव्या कपूर, द फोर्थ वन इंडिया से आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जिनके बारे में मैं बात करने जा रही हूँ, वो महान शख्सियत हैं, नरेंद्र चंचल जी। उनकी पहचान मेरे लफ्ज़ों की मोहताज तो नहीं, शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा जो नरेंद्र चंचल जी के बारे में नहीं जानता होगा। आज भी कई सनातनियों के दिन की शुरुआत उनके गाए हुए भजनों आज भी कई सनातनियों के दिन की शुरुआत उनके गाए हुए भजनों द्वारा होती है। बात करें अगर हम महिलाओं की, तो खासकर महिलाओं द्वारा आज भी उनके गाए हुए भजनों को सराहा जाता है और श्रद्धा प्यार से सुना भी जाता है। उनके बारे में एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। वीरेश शांडिल्य, विश्व हिंदू तख्त के अध्यक्ष ने ये घोषणा की है कि जम्मू कश्मीर रियासत के माता वैष्णो देवी मंदिर में और अमृतसर में नरेंद्र चंचल जी की एक प्रतिमा लगाई जाएगी। वीरेश शांडिल्य जी का ये कहना है कि नरेंद्र चंचल जी की एक बहुत ही अहम भूमिका है करोड़ों सनातनियों को माता वैष्णो देवी जी के साथ जोड़ने की। अमृतसर के मूल निवासी नरेंद्र चंचल जी हर साल माता वैष्णो देवी और अन्य देवियाँ ज्वाला देवी, नैना देवी जी का जागरण किया करते थे। वीरेश शांडिल्य जी ने जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा और पंजाब के सीएम भगवंत मान जी से जगह मांगी है नरेंद्र चंचल जी की प्रतिमा लगाने के लिए। इसी को लेकर विश्व हिंदू तख्त के मुख्यालय में एक बैठक हुई जिसमें शामिल थे पूर्व मंत्री व तख्त के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार डॉक्टर हरबंस लाल, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रधान स्वामी नंदकिशोर मिश्रा, राष्ट्रीय प्रचारक किशन ठाकुर आदि मौजूद थे। आगे की अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए, बने रहिए द फोर्थ वन इंडिया। थैंक यू सो मच।